डियर स्पेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल क्लासेस। AWS PRT सेट ए लेकर आया हूँ 2019 का, कि किस तरह का पेपर आपको ले आपको अटेम्प्ट करना होता है, तो इसमें आप लोग देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को जनरल बताऊंगा कि किस तरह का पेपर आता है। नेक्स्ट में सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा, ठीक है, डिफरेंट PYQs के। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला आपके में पैसेज आता है, ठीक है। इसको आप पॉज करके, जिनके पास भी पेपर वगैरह नहीं, पॉज करके इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से इसमें एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले, द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर इन द अवर पैसेज इज टू, कि उसका मेन पर्पस है क्या, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपको एक टाइटल या उससे जो भी थाट्स निकल लिए, ठीक है, वो चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे ही फिर से पैसेज होगा और उससे रिगार्डिंग आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल अकॉर्डिंग टू द ऑथरीज, ठीक है। डेवलपमेंटल पजल जो है ऑथर के हिसाब से क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी होंगी जब आप पैसेज पढ़ेंगे उसके हिसाब से। तो समझिए, तीन चार क्वेश्चन जो है इस तरह से आपका पैसेज से आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो रीअरेंज करना होता है, ठीक है, 1 2 3 4 आपको सेंटेंस दिए होंगे, इनको रीअरेंज करना होगा, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए जिससे, ठीक है। ये भी उसी से रिलेटेड होगा, प्रीवियस पैराग्राफ से। और इसके बाद सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग, तो आपको सिनोनिम्स, अपोजिट्स, ये सब आपको पढ़ने होंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिसेंट की आप जनरल इंग्लिश लेंगे तो उससे आप लोगों को बहुत सी बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे इनके सारे अपोजिट्स, ठीक है। डिस्को मोड है आपका, ठीक है, अर्डोर है, इस तरह से आप उसमें देखेंगे या नेट में भी आप इनको देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे और आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर वाले भी आएंगे, जैसे डिस्पाइट हैविंग पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल ओवर 10 ईयर्स बैक मोस्ट स्कूलमेट्स हैज कीप टच विद ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी जो है देखने को मिलेंगे, लिप्स बाय वेट्स, इसमें कहाँ पर जो है गलत है, ठीक है, वो आपको समझना होगा। जनरल इंग्लिश में आपको ये चीज़ें जरूर मिल जाएंगी। और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में चेंज करना, तो यहाँ पर सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाएगा आप लोगों के लिए। और डायरेक्ट, ठीक है, करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, इस तरह से भी इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बनाता है बताना है यहाँ पर भी। और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, कौन सा पेयर इसमें सही से आएगा, दो दो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उनको भरना होगा, इनमें से कौन सा बेस्ट सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, जो गिवन वर्ड है सब्स्टिट्यूट है उसको एक वर्ड में, वन वर्ड वाला, ठीक है। ये भी आपका इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और इस सेंटेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैथ के क्वेश्चन भी कुछ आएंगे इसमें, जैसे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 1.5% पर मंथ फॉर 1.3 ईयर्स, ठीक है, इस तरह से कितना सिंपल इंटरेस्ट रेट रखेगा। और कुछ अदर क्वेश्चंस भी आएंगे आपका, ठीक है, वेट से रिलेटेड, कैलकुलेटेड वेज ग्रुप का इतना है तो इसमें गर्ल्स का कितना होगा और कितना बॉयज़ का, इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसके अलावा एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पर जो है इसको आपको सही से देखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। तो मैथ के क्वेश्चन, एज एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस रिलेटेड, स्पीड, ठीक है,
स्पीड अपॉन टाइम वाले फॉर्मूला लगा के आप इजीली इन क्वेश्चन को करेंगे। वैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एपीएस की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर सॉल्व पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे इस तरह से। सीरीज वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, जनरल आपके उसके जीएस के क्वेश्चन भी हैं, सरकमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद रिप्लेस कौन करेगा एम्प्टी बॉक्स को, ये तो जनरल है, जनरल पेपर के सारे लगभग उसमें इस तरह का आता है। और रोज वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि पंक्ति में यहाँ से वहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं तो कैसे होगा। और ये आपको ये भी समझना है कि इसमें पेपर आपका इंग्लिश में ही आता है, तो थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस जरूर बनाए रखें। क्वेश्चन तो उसी तरह से होते हैं, बस आपको समझना होता है हल्का सा। फिर यहाँ पर आपके जीके के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। नेहरू सेंटर का जो है अभी कौन सा इंडियन ऑथर जो है नया डायरेक्टर बना, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था ये उस टाइम पे, तो इस तरह से अभी भी आपको देख लीजिएगा। वॉइस फॉर फ्रीडम, ठीक है, जो भी रिसेंट बुक्स वगैरह छपती हैं उनके ऑथर के नेम आपको पता होना चाहिए, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नेम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये किससे किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन बनते हैं, देख पा रहे होंगे आप। नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर में किसको मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइम का, और इस टाइम का आप रिसेंट भी देखिएगा। कुछ जो है अदर क्वेश्चन भी आएंगे, बस मैक्सिमम आप जितना भी करंट अफेयर्स का कर पाएँ इसमें आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल हाईवे 1 किसको कनेक्ट करता है, देखिए अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। ये सेट टू लॉन्च फर्स्ट सोलर मिशन इन 2019 में ये सेट किया था, लेकिन वो अभी रिसेंट में हुआ आदित्य L1, ठीक है। तो इस तरह से ये 2023 के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसको पॉज करके अच्छे से। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछे आपसे, जूम स्लाइडर जो ऑप्शन है वो कहाँ पर होगा, ठीक है, क्लोज टैब का शॉर्ट की सिंपल, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो सारा डेटा डिलीट कर सकता है, ठीक है, इस तरह से आपको देख रहेंगे। वायरस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, शिफ्ट प्लस सी किसका आपका शॉर्टकट है, देखिए कंप्यूटर के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है यहाँ पे पैडागोजी, ठीक है। पैडागोजी की प्रैक्टिस के लिए आप इसमें मेरे सीटेट वाला उसमें भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे टीचिंग मेथड के क्या क्वेश्चन आते हैं ज़रूर देख लीजिएगा, अदर एग्जाम्स में भी आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे। कुछ आपका एजुकेशन संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, एनईपी वगैरह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से 84 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, ठीक है। अब शायद 90 क्वेश्चंस का हो गया, तो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। रिसेंट के पेपर भी मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को उसको ज़रूर करवाऊँगा सॉल्व। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।